गल यूके स्टडी वीजा की करन जा रहे हैं। पहला तो यह गल करिए, अज के टाइम स्टडी वीजा नू लेके जिस तरह का माहौल बन गया है, यूएसए तो लगातार असं देख रहे हैं रिफ्यूजल्स आ रही ने। कैनेडा की गल करिए स्ट्रिक्ट हो गया, LMIA नू लेके भी जो है रूल्स चेंज हो गए। तो उस तो बाद हूँ स्टूडेंट्स का रुझान ट्रेंड जड़ा एकदम असं देख रहे हैं यूके वाल वध्या है। आखिर क्यों वध्या, असं ये रीजन भी तुहानू अज जरूर समझावांगे। आखिर यूके दे पॉजिटिव पॉइंट की ने, ताकि स्टूडेंट अपना मन बनाए, समझ सके कि यूके साडे लई कीवें बेस्ट ट्रेंड वाला है। क्योंकि आपां कोर्स की भी गल करांगे, यूनिवर्सिटी की भी गल करांगे, और नाल दे नाल जॉब ऑप्शन की भी गल करांगे, क्योंकि जॉब नू लैके कंसर्न स्टूडेंट्स दा उन्हां दे पेरेंट्स दा अक्सर रहिंदा है। तां इस करके एक एक गल तुसीं समझो और तुहानूं पता लगेगा कि वाकई यूके ओवरऑल एक चंगी ऑप्शन है जदों असीं अपना फ्यूचर नू ब्राइट करन बारे सोचते हैं, फ्यूचर की सैटलमेंट बारे सोचते हैं। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर। डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन थोड़े नाल सांझी करेंगे स्टडी स्केयर अब्रॉड चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सो अनीता जी, जिवें कि मैं शुरुआत में गल कर ही चुकी हाँ, कैनेडा नूं लैके रूल्स अपडेट हुए, स्टूडेंट्स का मन जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यूएसए तो भी चंगे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उत्थे ही यूके तो वैसे ओवरऑल हमेशा ही एक वधिया ऑप्शन रहा, पर अज आप जरूर वो मेजरली आप बेनीफिट स्टूडेंट्स नूं समझाइए कि सिर्फ ये नहीं कि बाकी कंट्री स्ट्रिक्ट है असी तां यूके अप्लाई करना है, वैसे भी यूके अपने आप दे विच कीवें असी पॉजिटिव मन सकते हैं स्टूडेंट्स दे लई। तो अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके इज़ नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो यूके में दे हैव एन नंबर ऑफ द कोर्सेज। यूके में अगर आप किसी भी कोर्स का नाम लो, जो भी पहला जो कोर्स होता है कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं विद द स्पेशलाइजेशन, वो सारे के सारे आपको यूके में मिलेंगे। तो इस टाइम पे हाईली डिमांडिंग अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, AI से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, डेटा इंटीग्रेशन के रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, हेल्थ में IT का कैसे रोल प्ले होता है, तो इस तरह के कोर्सेज मिलेंगे। जो भी अगर हम सोचते हैं, जो एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में या किसी सब्जेक्ट में एक आपके पास टॉपिक होगा, वो उस पर्टिकुलर कोर्स आपको और मे बी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री उसमें आ जाएगी। सो दैट्स द वेरी गुड थिंग कि यूके में इस तरह के कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट नंबर इज यूके इज नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली वेरी गुड। जब बच्चा यूके से पढ़ के आगे जॉब मार्केट में जाता है, तो दे आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी पैकेज। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। दूसरा, यूके में जो ट्यूशन फीस है कंपैरेटिवली किसी और कंट्री से अगर मैं बात करूँ, तो उनकी जो ट्यूशन फीस है लो ट्यूशन फीस में उसको कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन में ही आ चुके हैं, तो हम कंपैरिजन की बात करें तो जहाँ पे कनाडा में अगर आपको ट्यूशन फीस है आपकी $18,000 to $20,000 है, ठीक है, और आप रिस्ट्रिक्ट हो कि आपने एक साल की ही ट्यूशन फीस पे करनी है, प्लस आपको GIC का अमाउंट भी पे करना है, तो आपके पास जो पूरा अमाउंट है कनाडा जाने के लिए आपको आज की रेट में कम से कम 25 लाख चाहिए होगा, देन यू कैन फ्लाई टू द कनाडा। वहीं पे अगर हम यूके की बात करें, तो यूके में देर आर एन नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी साल की जो ट्यूशन फीस है वो 13 से लेके 15 लाख के बीच में रहती है, ठीक है, और आपको ऐसा नहीं है कि आपने साल की फ़ीस पे करनी है, आप 6 महीने की भी फ़ीस पे कर सकते हो। एंड सेकेंडली, यूके यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप एज वेल। तो अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हो, तो उनको वो जो है एक वो स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो अगर आप बात करें तो 6 महीने की जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी आ जाती है 8 to 9 lakh के करीब, आपने जस्ट एक ट्यूशन फीस पे करी, एंड देन यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं यूके में 28 दिन पुराने फंड्स ज़रूर चाहिए होते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको सोर्स ऑफ फंडिंग दिखाने की ज़रूरत है, तो यूके में आपको सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं दिखाने होते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी जो फंडिंग है वो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो सोर्स ऑफ फंडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन यूके। एंड द लास्ट इज यूके में अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है, तो अगर उसके जो परसेंटेज है 65% to 70% इन इंग्लिश है, तो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द इंग्लिश वेवर। तो आपको जो इंग्लिश का है वो वेवर मिल जाएगा, एंड डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स। तो आपका ये जो टाइम है ना, जितना टाइम आप आइल्स कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपका बच जाता है। सो ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं अगर आप यूके में बात करें तो। यूके का जो प्रोसेस है, अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन जो ऑफर लेटर आता है 3 to 4 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद आपको फंडिंग दिखानी होती है, जो आपकी फंडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी 28 डेज ओल्ड फंड।
28 दिन पुराने आपको फंड्स दिखाने, सोर्सेज के आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं फंडिंग की, पूरे फंडिंग की बात करूं तो 26 से 28 लाख के करीब आपका बनता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप इनर लंदन जा रहे हैं या आउटर लंदन जा रहे हैं। तो इनर लिविंग एक्सपेंसेस आपके 10 से 12 लाख रहते हैं, प्लस आपको एक साल की ट्यूशन फीस दिखानी होती है। तो एक साल की जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस उस पर वेरी करेगा। तो ऑल अबाउट अगर मैं बात करूं तो 26 से 28 लाख के करीब आपको 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने होते हैं। उसके बाद यूके में एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, जिसके लिए हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। आपने ट्यूशन फीस पे करी, 6 महीने की ट्यूशन फीस पे करी, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम पे, जो यूके जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया दे आर गेटिंग द वीज़ा विद इन 15 to 20 days, दैट्स द बेस्ट पार्ट इन यूके। सो अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, जब आप कोर्स फिनिश करते हैं अपना, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यूके में कम से कम 100 कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट है इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, तो जो कि प्लेसमेंट उनका टाइप हुआ हुआ है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, वो जैसे ही आपकी कोर्स ख़त्म होता है तो वो प्लेसमेंट आपको वहीं से ही कर लेते हैं। और अगर मैं ट्यूशन, अगर मैं उसके बाद सैलरीज की बात करूँ, तो दे आर गेटिंग 30 to 35,000 pounds उनको साल की एक सैलरी मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो आयरन में बात करूँ तो उनका जो पैकेज होता है, जो यूके में जिसने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखी होती है, तो उनका जो साल का पैकेज होता है आराम से 30 से 35 लाख का पैकेज होता है। तो आपके वर्थ, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका वैल्यू फॉर मनी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यू कैन ऑफकोर्स कंसिडर द यूके फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लाइक द ट्यूशन फीस एंड फॉर द स्मूदर प्रोसेस। जी 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 बिल्कुल सुटे, ये सारे फायदे देखो, पूरी लिस्ट अनीता जी ने तुहानू समझाई है। तुसी जरूर इन्हां सारे पॉजिटिव फैक्टर्स नू माइंड विच रखते हुए यूके दे नाल यूके दे लई अप्लाई कर सकते हो। चंगे कोर्सेज बारे होर डिटेल विच जानना चाहो कि तुहाडी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली तुहानू किहड़े कोर्सेज विच अग्गे जाना चाहिए, तो लगातार नंबर डिस्प्ले है स्टडी स्क्वेयर अब्रॉड का, इस उपर कॉल करो, पूरी जानकारी लो। बहुत अच्छा होएगा जेकर तुसी इन्हां दे चंडीगढ़ ऑफिस विजिट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स नाल लैके आओ, ताकि असैसमेंट करके सही चीज़ा सही ऑप्शन तुहानू टाइमली गाइड की जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, यूके स्टडी वीज़ा लैके ढेर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स नू समझाए ने, सांझे किए ने। अगों भी असी स्टूडेंट्स लई इसे तरह नाल होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दो जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।